तब तक पीछे नहीं हटेंगे। जो जुलूम के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, और जो जुलूम के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। आवाज दो, हम एक हैं। अधिकारियों को पक्का करना होगा, करना होगा, करना होगा। नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुंद, अभी मौजूद है दिल्ली जल बोर्ड मुख्यालय पे। ये वही मुख्यालय है जहां से दिल्ली राजधानी में पानी की सप्लाई करने वाले कर्मचारी, इसके साथ साथ दिल्ली के बड़े सीवरों की सफाई और मेंटेनेंस करने के कर्मचारी काम करते हैं। ये पिछले कई सालों से अपनी कई मांगों को लेकर आंदोलन करते रहे हैं और प्रशासन के साथ पत्राचार भी करते रहे, लेकिन जब प्रशासन ने इनकी बातें नहीं मानी तो आज दिल्ली की विपरीत स्थिति में ये लोग धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हुए। इन्होंने बातचीत में कहा, दिल्ली अभी जिस हालात में है उस हालात में प्रदर्शन नहीं करना चाहते थे। ये चाहते हैं सरकार इनकी जो मुख्य मांगे हैं, जो रिटायर्ड कर्मचारी से जुड़ी सुविधाएं हैं उसको उचित रूप में बहाल की जाए, इसके साथ साथ कैशलेस इलाज हो और कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, इसके साथ साथ निजीकरण जो लगातार जल बोर्ड में चल रहा है उस पर रोक लगे, और अगर ऐसा नहीं होता तो इसके बाद इनके पास आंदोलन के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। और हमने यहाँ आंदोलन कर रहे यूनियन नेताओं से और यहाँ मौजूद अन्य कर्मचारियों से बात करके समझने का प्रयास किया जो किस हालत में काम कर रहे हैं, और सरकार उनकी बातें नहीं मानती तो आगे वो क्या कर सकते हैं। सुनिए उन्होंने पूरी बातचीत में क्या कहा है। पिछले कई महीनों से ये प्रयास कर रहे थे कि प्रशासन के साथ बातचीत की जाए, उनको 2-3 चिट्ठियाँ लिखी कि कर्मचारियों की मांगें पेंडिंग हैं, आप इन पर बातचीत करके इनका समाधान करें, लेकिन प्रशासन की तरफ से बातचीत का कोई प्रयास नहीं किया गया। बेसिकली हमारी 3 मांगे हैं, मतलब 3 तरह की जो है। सबसे पहला है कि 2 दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारी हैं, प्रशासन की तरफ से उनका कोई भी काम नहीं हो रहा, ना सिर्फ काम हो रहा बल्कि कोई बातचीत करके कोई पॉजिटिव माहौल बनाकर उनको समाधान करने की कोशिश भी की जाए ऐसा भी प्रशासन की तरफ से दिखाई नहीं दे रहा। हम ये कहते हैं कि आप बातचीत मत करिए, हमें बातचीत का भी कोई शौक नहीं है, आप कर्मचारियों की मांगों को लागू कर दीजिए। जैसे हमारे यहाँ पे जो कुछ डेली बेसिस पे जब अपने कोरोना मूलाधार पे जो बच्चे लगे थे, मस्टोल पे लगे थे, उनको पक्का नहीं किया जा रहा। 2016 से ही हमारी मांग लंबित रहती है, बहुत सारे कर्मचारी रह रहे हैं, उनको पक्का करना है। अब कॉन्ट्रैक्टर जो लोग रखे उनको न्यूनतम वेतन भी नहीं दिया जाता है। हमारी भी ये भी मांग है, उनके साथ साथ अपने जो परमानेंट एम्प्लॉयज है उसके साथ ये मांग है कि जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, चाहे वो ठेकेदार किसी के माध्यम से कर रहे हैं या स्विचबर में कर रहे हैं या बिल बांट रहे हैं या कंप्यूटर पे कर रहे हैं या वाटर लाइन जोड़ रहे हैं, उनको भी कम से कम दिल्ली सरकार जो न्यूनतम वेतन है वो मिलना चाहिए। पहला तो इश्यूज ये है, हमारे कर्मचारी का जो फंड कटता है वो फंड का हिसाब किताब कोई नहीं है, जितना उसको मिल गया उतना लेके चला गया, कोई उसके पास रिकॉर्ड नहीं है, बार बार कहने के बावजूद उसका रिकॉर्ड नहीं मिलता। हमारा PF का है, 2013 से कोई रिकॉर्ड नहीं है, हमारा पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा, कोई बताने को तैयार नहीं है। हम रिटायर होते हैं, जो हमारे कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं उनको इकट्ठा मान लिए 10 लाख रुपए दे दिया, हमें यही पता नहीं है कि हमारे 10 लाख थे या नहीं थे, वो भी 6 महीने में मिल रहा है। रिटायर होने के बाद हम PF निकलवाना चाहें अपनी किसी मजबूरी के लिए, मकान के लिए, शादी के लिए, वो 6-6 महीने में निकल रहा है। हमारे कर्मचारी की जो पेमेंट होती हैं, चाहे वो मेडिकल पेमेंट हो, मेडिकल एडवांस हो, हमारे PF की पेमेंट हो, जो भी पेमेंट होती हैं वो कोई भी पेमेंट टाइम पे नहीं होती है। कैंसर से हमारा आदमी मर रहा है, इलाज चल रहा है उसका, उसको एडवांस की फाइल चलाते हैं, उसका 10 लाख का भी बिल होता है, 5 लाख का भी बिल होता है, उसको बड़ी दिक्कत होती है। हमारे मेंबर ये तक ही मतलब होती है, फाइल की जो मूवमेंट होती है मेंबर ये तक होती है। हम ये चाहते हैं कि इस चीज़ें ख़त्म करके कैशलेस कर दें। मेडिकल सुविधा के लिए किसी भी हॉस्पिटल में पड़े हैं, हम एडवांस के लिए पैसा मांगे, हमारी जेब में नहीं है, तो उसके लिए भी बंद कर दिया इन्होंने कि भाई वो डिमांड खुलेगी। अब डिमांड खुले 2 महीने में, 4 महीने लगेगा जब तक आदमी ऊपर चला जाता है। हमारा पेंशनर हैं जल बोर्ड के, वो जल बोर्ड के पेंशनर की मेडिकल फैसिलिटी है, CGHS के हिसाब से हमारी डिडक्शन होती है, CGHS के हिसाब से हमारा पैसा कटता है, लेकिन CGHS में रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए क्रेडिट फैसिलिटी है। जल बोर्ड के अंदर रिटायर्ड कर्मचारी के लिए कोई क्रेडिट फैसिलिटी नहीं है, उसके इलाज के पैसे मिलते हैं लेकिन पहले उसको पेमेंट करनी पड़ती है, कैशलेस नहीं है। CGHS में कैशलेस है, यहाँ पे कैशलेस नहीं है। अब 20 उम्र में रिटायर्ड के बाद 60 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में बुजुर्ग आदमी, वो बेचारा 6-6 महीने बिल लिए डोल रहा है, बिहार से यहाँ तक आ रहा है, अरे उसको तो कैशलेस सुविधा दो। जब उसके पैसे लिए हैं तुमने
तुमने पैसे दिए हैं उसने हर साल, जब रिटायर हुआ है 35,000 रुपया उस टाइम पे काट लिए तुमने, तो उसको कैशलेस सुविधा दो। मतलब जब CGHS में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो है ना अपना रेफर करा के इलाज करा के आ सकता है, हमारे पैसे ऑलरेडी डिपार्टमेंट पे करता है, तो डिपार्टमेंट सीधा हॉस्पिटल को क्यों नहीं पे कर सकता। तीसरा इशू है हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय के लिए, ठेके पे जो कर्मचारी भर्ती होते हैं, ठेके पे भर्ती कर्मचारियों को ना तो कोई आई कार्ड है, ना उनका कोई अपॉइंटमेंट लेटर है, ना उनका PF है, ना उनका ESI है, और इतना करप्शन है उस मामले में कि मैन पावर सप्लाई करने का काम जो है ना वो उनको दिया जाता है कॉन्ट्रैक्टर को। 10 आदमियों का उनको कॉन्ट्रैक्टर मिला, वो 6 आदमी सप्लाई करेंगे, 4 आदमी के पैसे खा जाएंगे। उन ठेके कर्मचारियों को 8-8, 10-10 हज़ार रुपये दिए जा रहे हैं, कैसे गुजारा कर लेगा वो आदमी? ना उनको ECI कार्ड है, ना कोई न्यूनतम मजदूरी है, जो 17,000 रुपये न्यूनतम मजदूरी मिलती है कम से कम वो तो दो। चलो तुम नई भर्ती नहीं कर रहे थे, लेकिन उनको सुविधा तो दो, ECI दो उसको बेचारे को, कोई कैशलेस का उसको सुविधा दो CGHS की, लेकिन वो कोई सुनने को तैयार नहीं है। प्रशासन और नीचे के अधिकारी सब मिले हुए हैं, जे ही तनख्वाह देते हैं उनको कैश में, कोई खाते में नहीं जाती, हाथ में देते हैं। अब वहाँ से कितने ले रहे हैं, कितने ठेकेदार से ले रहे हैं, कितने क्या कर रहे हैं, यानी सरकार की मिली भगत है। जून पे एक्शन नहीं हो रहा, हम हर बार लिख के दे रहे हैं, हर महीने 2-3 चिट्ठी लिखते हैं कि भाई ये काम नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहे, लेकिन प्रशासन बात करने को भी तैयार नहीं है। तो हमारी तो मजबूरी है कि हमें यहाँ बैठना पड़ रहा है। सरकार ये वादा करती है कि दिल्ली में जो सब ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन ऐसे ठीक ठाक नहीं है।